हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेगमेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ लिप स्वचेस। ये मार्स का 3 मैट बॉक्स, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में परचेज किया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी अनबॉक्सिंग। एंड इसके शेड्स कैसे हैं, कैसा ये डिटेलिंग है, कैसा इसका टेक्स्चर है, सब कुछ जानेंगे। स्वचेस भी देखेंगे, लिप स्वचेस, हैंड स्वचेस, सब कुछ देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, जरा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। फर्स्ट टाइम आए हैं अगर मेरे चैनल पर तो वेलकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर आते रहते हैं रिव्यूज, हॉल्स, स्वचेस, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स, किस तरीके से आप अपने मेकअप को इंटैक्ट रख सकते हैं थ्रू आउट द सीजन, कोई भी सीजन क्यों ना हो, बहुत सारे हैक्स आते रहते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इसमें कुछ। काफी अच्छी सी इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हो जाता है। मेरे पास में है शेड नंबर 3, मैंने इसका प्लम वाला पार्ट जो रेंज है वो मैंने परचेज किया था। दिस इज द शेड नंबर 3 प्लम्स। इसके और भी वेरिएंट आते हैं बट मुझे प्लम शेड ज़्यादा मेरे स्किन टोन पर पसंद आता है, दैट्स वाई मैंने इसको परचेज किया है। एंड लेट्स सी कि 3 जो लिपस्टिक्स हैं ये कैसी निकालती हैं। वेट बता दूँ तो मैं 3.2 ग्राम इसकी एक लिपस्टिक की क्वांटिटी मिल जाती है। 3.2 × 3 यहाँ पर लिखा हुआ था, मतलब एक लिपस्टिक 3.2 ग्राम की है और 3 लिपस्टिक्स यहाँ पर मिलती हैं आपको। 150 रुपये में मिल जाती है, 149 की MRP है। बट यस, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हर जगह अवेलेबल है, आप जहाँ से भी चाहे से परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी दूसरी जो शेड रेंज है उसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो इसकी पैकेजिंग वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी है एंड इंटैक्ट है काफ़ी ज़्यादा। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ ही शेयर करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। इस तरीके से ट्रे में काइंड ऑफ इसकी पैकेजिंग है एंड कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है प्रोडक्ट। इस तरीके से कुछ ट्रे काइंड ऑफ बना हुआ है एंड इसमें स्लॉट्स के अंदर ये 3 शेड्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो शेड्स देख लें कौन से हैं। शेड्स 3 हैं, 6, 7 एंड 8। जो प्लम में रेंज आ रही है इनकी वो है 7, 8 एंड 9। लेट मी, ये शेड्स हैं इसके 7, 8 एंड 9। तो ये 3 शेड्स हैं। तो चलिए एक एक करके ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा शेड कैसा लगता है। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज शेड नंबर 9 एंड ये ऐसा सा है। इसकी कैप हाथ से फिसल गई थी मेरे, थैंक गॉड ये नहीं फिसला क्योंकि ये पहले से ही टूटा हुआ है एंड मैं पूरा ओपन करके आपको दिखा भी नहीं सकती, दूसरा वाला दिखा दूंगी अगर वो ठीक रहा तो। ये इसकी बुलेट जो है अलग से थी, कैप में थी, तो ये मैंने अभी इसको डाला है इसके अंदर। सो ये पूरी तो मैं निकाल के दिखा भी नहीं सकती बट ऑल एंड ऑल बोल तो शेड ये अच्छा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी क्रीमी काइंड ऑफ है ये एंड मैट में सेटल होगा कि नहीं होगा कांड से, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ही इसे ओपन करके लगाया है। इन फ्यूचर मैं ज़रूर बता दूंगी मैट में सेटल डाउन होता है या नहीं होता है, या अपलोड करने के टाइम पे मैं यहाँ पर आपको कहीं पे मेंशन कर दूंगी जो भी है कि ये मैट में सेटल डाउन होता है या नहीं होता है या इसकी स्टेइंग पावर कैसी है। तो दिस इज़ द शेड एंड हैंड स्वच दिखा दूँ मैं आपको, दिस इज़ द शेड। शेड तो काफ़ी अच्छा सा है, बहुत ही प्यारा सा शेड है, बस प्रॉब्लम ये है कि अगेन मुझे टूटा हुआ प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा सारे प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट मेरे साथ में ही क्यों होता है, गॉड नोस। नेक्स्ट है शेड नंबर 7 एंड ये सही निकली है। आप देखो नई लिपस्टिक हमेशा ऐसी होती है जो अंदर की तरफ पे हो, प्रोडक्ट निकला हुआ गिरा हुआ ना मिले। सो इसकी कैप अलग से आ रहा है एंड ये देखिए, मैं इसको रिट्रैक्ट करके दिखा देती हूँ कि कितना प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको रिसीव हो जाता है, बस ये गिरना पड़े निकल के लिए। दिस इज़ द प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक, ये आपको इतना रिसीव हो जाता है। एंड अब मैं इसके लिप्स पे लगा के दिखा देती हूँ। दिस इज शेड नंबर 7 आई डोंट नो व्हाई इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही है कुछ जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। ऑल्दो मैं फ्रेग्रेंस लवर हूँ, मुझे प्रोडक्ट्स में स्मेल अच्छी लगती है, फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, बट इसकी कुछ अजीब सी ही स्मेल है, डोंट नो। शेड्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, नो डाउट शेड्स मुझे पसंद आए।
एंड ये मेरी स्किन टोन पे अच्छे से जा भी रहे हैं, बट देखते हैं स्मेल कितने टाइम तक टिकती है। फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर टिकेगी तो प्रॉब्लम होगा, है ना। लास्ट शेड है शेड नंबर 8, एंड अगेन इसकी बुलेट भी प्रॉपर नहीं है। ये देखो आप, ये अंदर पे फिक्स है ही नहीं, ये बाहर पे निकली हुई है। तो ये भी जैसे ही मैं इसे रिट्रैक्ट करूँगी ये निकल करके गिर जाने वाली है। सो इसको भी मैं रिट्रैक्ट करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैंने प्रोडक्ट दिखा दिया पिछले वाले में। सो यस, इसको मैं रिमूव करके ये लगा के बताती हूँ। दिस इज़ द शेड, शेड नंबर 8। इट इज़ द प्रॉपर डीप डार्क प्लम कलर। देखो काफ़ी ज़्यादा डार्क है ये, एंड इसका हैंड स्वैच में दिखाऊँ तो मैं बीच में करती हूँ, ये बीच वाला शेड आप देखिए प्रॉपर डीप डार्क कलर है। तो अगर इतने बोल्ड कलर्स लगाना आपके लिए ओके है देन इट इज़ गुड। मैं कंफर्टेबल हूँ इस शेड के साथ में, मुझे इस तरीके के शेड्स काफ़ी पसंद आते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो इस शेड के जो तीनों इस रेंज के जो प्लम वाले के तीन शेड्स हैं, तीनों शेड्स ही मुझे पसंद आए हैं। इन तीनों को आप एवरीडे में भी लगा सकते हो या फिर आप पार्टी फंक्शन में भी लगा सकते हो, तो आप हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैसा वसूल डील है डेफिनेटली, बट जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है बस वही है जो मुझे नहीं पसंद आई इसमें। एंड अगेन गॉड नोज़ वाई मुझे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे टूटे फूटे से क्यों रिसीव होते हैं। अगेन इसके साथ में जो इश्यूज़ थे वो मैंने वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट अच्छा है, शेड रेंजेस भी इसकी अच्छी है। जो प्लम वाला मैंने लिया है मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद आई। कितनी देर ये टिकता है, मैट में सेटल होता है या नहीं होता है, ये मैं अपलोड के टाइम पे एडिटिंग में यहाँ पर आप डाल दूंगी, तो डेफिनेटली आप देख लेना, उसको रीड आउट कर लेना, क्योंकि राइट नाउ अभी मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकती हूँ। मैंने अभी लगाया है, मैं थ्रू आउट द डे लगा के रखूँगी, एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो भी मुझे लगेगा कि ये मैट में सेटल आउट हुआ है नहीं हुआ है, स्टेइंग पावर कितनी है या जो भी है, वो मैं यहाँ पर आपको आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पर एडिटिंग के टाइम पे लिख दूंगी, सो आप उसको चेकआउट कर लेना। सो यस, दिस इज़ द प्रोडक्ट रिव्यू, एंड शेड्स मुझे तो काफ़ी पसंद आए। आपको कैसे लगे ये शेड्स मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप में से कितने लोग हैं जो इस रेंज को ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं या करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा, ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है तो जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उन्हें ये मार्स की रेंज लेनी चाहिए है या नहीं लेनी चाहिए है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।